वाणी पढ़ते हैं, चितवनी करते हैं, सेवा करते हैं। मान लीजिए आपके पीछे से आवाज आए, आगे से बोलिए अब क्या चलते हैं, आप क्या उत्तर देंगे? रघुनाथ जी साक्षात पूछे आपकी क्या इच्छा है तो क्या उत्तर देंगे? ये कहेंगे कि राजी सामने आ जाओ दर्शन कर। राजी ये कहें कि मैं सबसे बड़ी चीज देने के लिए तैयार हूं, जो मांग सब दर्शन मांगेंगे। राजी सामने भी आ गए, कहेंगे कि मैं और कुछ देना चाहता हूं, तो आप क्या मांगेंगे? कि हमारे दिल में बैठकर साक्षात लीला कीजिए, जैसे देवचंद जी के तन से किए, महामती जी के तन से किए। आप यही तो चाहेंगे कि हमें भी उनके बराबर कर दीजिए, इससे अच्छी तो बड़ी तो कोई उपलब्धि नहीं है। मैं कहता हूं ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, परम धाम में वहदत है, वहां तो हर पल दीदार है। कौन किसका दीदार करेगा? जिसका दीदार पाना है दीदार करने वाला भी वही है, और दीदार की इच्छा नहीं होती। वहदत एक दिल है तो किसी शोभा की इच्छा नहीं होती, क्योंकि सभी एक समान है। शोभा तो वहां ली जाती है जहां कोई छोटा हो कोई बड़ा हो। जैसे हमारे बीच में प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो हम उनको ऊंचा आसन देंगे, क्योंकि वो हमसे बड़े लगते हैं, हम एक सामान्य नागरिक हैं। लेकिन वहदत में कोई शोभा की बात नहीं, शोभा तो इस संसार में हो रही है। लेकिन एक बात है जो राजीव परम धाम में भी नहीं दे सके थे और उसको देने के लिए इस खेल में मिलाए। जानते हो क्या चीज है? वाणी कहती है इन मैं में डुब्या सबको याको पार न पावे कोई, याको पार सो पावे जाको मुतलक बख्शिश। सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी मेहर कि हम मैं के सागर को पार कर जाए। मैं को पार करना सरल नहीं है, परम धाम में भी यदि पार कर लिया होता तो रुकता ही नहीं होता। ऐसा नहीं कि परम धाम में अहंकार है, लेकिन प्रेम का अस्मिता भाव जरूर था, जिसके कारण सबने क्या समझा कि हम राज्य को ले जाते हैं और यही भूल हो गई। देखिए इस संसार में सदगुरु धन सिंह जैन जी को दर्शन मिला, एक बार नहीं तीन बार। राजीव उस तन से बैठकर लीला भी कर रहे हैं, सब सुंदर साथ। जब सदगुरु देव चंद जी चर्चा सुनाते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण जी साक्षात प्रकट हो गए हैं, राजीव कृष्ण जी के रूप में प्रकट होकर सबके साथ भोजन करते हैं, बातें करते हैं। सदगुरु धन सिंह चंद जी दीवार पर हाथ से लकीर भी खींच देते हैं तो वहां से यमुना जी का जल बहने लगता है, और सुंदर साथ वो जल में स्नान भी कर लेते हैं, जल का पान भी कर लेते हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? ये आड़ी का लीला है। फिर भी देवचंद जी के तन से क्या हो रहा है? किरु वल्ला करी बंदगी हमी उनकी मैं तो गुना कहे पर जो मांग लिया हक में वो दिल तो अभी खाली है। जो सबको कृष्ण जी के रूप में राज्य का दर्शन करवा रहा साक्षात राजी। जब लील भाई का तन छोड़ने का समय आया धाम गमन का, लील भाई को राजी ने परम धाम के सिंहासन में दर्शन दिया। लील भाई ने कहा कि राजी मुझे अकेले दर्शन से क्या होगा, सबको भी तो दर्शन दे दीजिए। दर्शन हो जा रहे हैं लेकिन फिर भी श्यामा जी का दिल कहीं ना कहीं इस संसार में अभी खाली है। जो पूर्णता की प्राप्ति थी अभी नहीं हो पा रही। तभी क्यामतनामा में वाणी कहती है बरस निनाम भी लो रही हूँ। अभी तो ये 1712 तक की लीला चलेगी इस तन से, 1735 से पहले अभी श्यामा जी के ऊपर से जागने का प्रकाश अभी नहीं फैल सका था, अभी ऊपर दे में, क्योंकि पूर्ण जागृति नहीं हो रही है। जागृति क्या है? हम स्वयं को जान जाए कि हम कौन। आप पहले आप पहचानोगा तो बहुत सरलता से अर्थ कर देते रहे कि हे साथ जी अपने को पहचानिए। ये छोटा अर्थ नहीं है, ये तो शाब्दिक अर्थ है। श्यामा जी 1712 तक भी अपने को नहीं पहचान पाए,
1734 तक भी अपने को नहीं पहचान पाई। मैं श्यामा जी हूं, ये पहचान कोई पहचान नहीं है। मैं क्या हूं वास्तव में, ये पहचान। मैं को जानना सरल नहीं है। मैं को समझाने के लिए तो खेल बना। खेल का महाकारण क्या है? जब मेहर का दरिया दिल में लिया तो प्रभु के दिल में खेल देखने का ख्याल बचा। मेहर का दरिया दिल में लिया, मेहर का दरिया तो पहले भी दिल में था, लेकिन राज्य जो आशिक है उन्होंने सोचा कि अपना सारा प्रेम लुटा दो। सारा प्रेम लुटाने का मतलब क्या होता है? अपना हृदय इनको पूर्ण रूप से बता दो कि मेरा हृदय क्या है। यह बताना था जो तुम्हारा हृदय है वो मेरा हृदय, जो मेरा हृदय है वो तुम्हारा हृदय। सखियों को मालूम ही नहीं था। आत्माएं सोच रही है कि हम राज्य को जाती है, आप रिझा रहे हो तो इसका मतलब कि आपका प्रेम बड़ा हो गया। सागर उमड़ रहा है, लहरें कहने लगे कि सागर हम ना हो तो तुझे कौन जानेगा। हम उमड़ती है तो तुझे दुनिया जानती है, हम उमड़ना बंद कर दे तो तू भी फ्लॉप हो जाएगा। ये ब्रह्मात्माओं के अंदर में है। लहरों को ये पता नहीं है कि सागर और वो तो नहीं है। सागर है तभी तो लहरें, सागर ही नहीं रहेगा तो लहरें उमड़ेगी कहां से। ये लहरें भूल चुकी है। वो कह रही है कि नहीं सागर, हमारे उमड़ने से तू है। सागर कह रहा है मेरे रहने से तुम उमड़ रही हो। ये बात समझ में नहीं आ रही थी। इस जागनी ब्रह्मांड में लीला होती है, ब्रज में लीला होती है, वो तो पूरी नींद की लीला है। किसी को पता नहीं, न अक्षर को पता कि मैं अक्षर हूं, श्यामा जी को पता भी नहीं कि मैं श्यामा जी हूं, सखियों को पता नहीं कि मैं परम धाम की आत्मा हूं। कृष्ण का मोहक रूप सामने खड़ा है, उससे प्रेम की लीला होती है 11 वर्ष 52 दिन तक। संसार का बंधन भी है जो इस जागनी ब्रह्मांड में हमारे साथ चल रहा है। हमने तो इस जागनी ब्रह्मांड में देवचंद जी और प्राणनाथ जी को क्या बना दिया, संत महापुरुष सब कुछ बना दिया। और जामनगर के 2 राजाओं के चित्र को, एक का नाम देवचंद जी रख दिया, एक का नाम प्राणनाथ जी रख दिया, और राजाओं के चित्रों की पूजा करने लगे। कह देते हैं कि हम तो प्राणनाथ जी को पहचानते हैं, हम देवचंद जी को पहचानते हैं, और तरतम लेते ही कहते थे कि हम तो अपने को पहचान गए हैं, हम राज्य को पहचान गए, परम धाम को जान गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी जो भूल हो रही है, आप सोचिए, एक हाथ अर्ष जिम का हाथी हमारा सोय, इस मानिंद 14 तब अपने हुआ महूसी को। श्यामा जी के बराबर किसी की शोभा नहीं है, फिर भी श्यामा जी पर हंसी हो रही है। ये 69 पातियां लिखिया दाम धनी, तब संयम भी लिखी पर नेक नजर खबर। कितनी बड़ी हंसी हो रही है। श्यामा जी रो रो कर बिलक बिलक रोए रोए लिखे वचन। कितनी बड़ी हंसी हो रही है। उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन। मीराज से सिफारिश करवा रहे हैं कि मीराज जब राज जी आए कृष्ण के रूप में प्रकट हो तो ये पाती दे देना। सुंदर सार से लिखवाते हैं, एक एक सुंदर सार से, कि तुम सिफारिश कर देना कि मेरे तन से जागने क्यों नहीं। अब देखिए क्या है, कितना बड़ा भाव है। प्रेम क्या कहता है? प्रेम कहता है अपने अस्तित्व को मिटा दो। सुंदर साथ के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, हमें जितनी करते करते इतने साल हो गए, हमें राज्य मिलते नहीं, और भैरव शेष को 3 दिन में मिल गए। इसका अर्थ यही होता है कि श्री जी की विशेष कृपा रही, वो कृपा हमारे ऊपर रही। ऐसा नहीं है, तब तो श्री जी या राज्य पक्षपाती हो जाएंगे। राज्य की लीला में कभी भी पक्षपात नहीं होता। सूर्य सबके लिए प्रकाश देता है, हिंदू को ज्यादा प्रकाश देगा, मुस्लिम को कम, क्रिश्चियन को कुछ अलग, ऐसा नहीं है। मेहर सब पर महबूब की पर पावे करने माफा। जो भैरव सेठ ने समर्पण किया वो समर्पण हमारे पास नहीं है। देखिए आपको क्रोध आता है, आपने बहुत साधना की, क्रोध को जीत लिया, लेकिन मैं को जीत नहीं सकते। आप कामी है, मनोविकार है, आपने फूल पत्ती खाए, वाइप पिया, जल पिया, आप काम विकार को जीत लेंगे, लेकिन मना बना ये भाव बना रहेगा कि मैंने विकार को जीत लिया, अहंकार पीछे लग जाता है। आप विश्व के सबसे बड़े विद्वान बन जाते हैं,
तो क्या लगेगा, मैं विश्व का सबसे बड़ा विद्वान हूं। आप नहीं भी कहेंगे तो आपके मन में धारणा बनी रहेगी, आप भक्ति करेंगे तो भी अहंकार बने रहेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूं। प्रेम करता है आप क्या कर रहे हैं ये बुला दीजिए। भैरव सेठ ने किया, भैरव सेठ मांस खाते थे, शराब पीते थे, मनोविकारों से ग्रसित थे, लेकिन श्री जी ने कहा कि भैरव तुम मेरे कहने से एक महीने के लिए तम्बाकू खाना पीना छोड़ दो, मांस छोड़ दो, शराब छोड़ दो। जब व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसको बहुत प्रायश्चित होता है, जब भूखा होता है उसके सामने कुछ भी दीजिए तो भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है भोजन पर। भूख नहीं लगी होती है, अच्छे व्यंजन दीजिए, सौ बहाने बनाता है कि मन नहीं कर रहा है, ये चीज चाहिए। भैरव सेठ के अंदर परम धाम की आत्मा है लेकिन जीव निकृष्ट है, विषयों में फंसा हुआ है। ठोकर लगती है तो प्रायश्चित के आंसू भरते हैं, और प्रायश्चित किया तो सच्चे दिल से किया, समर्पण किया तो भूल गया, शुद्ध हृदय से समर्पण कर दिया और भुला दिया। जैसे आप बहुत कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, लालची, अहंकारी, जितने विकार हैं इस संसार के सारे आपके अंदर हैं, लेकिन कुछ पलों के लिए अपना सर्वस्व राज्य के चरणों में समर्पित कर दीजिए। देखिए उतने पलों के लिए आप संसार के सबसे पवित्र व्यक्ति बन जाएंगे, लेकिन समर्पण ही तो नहीं होता। हिमालय की गुफा में बैठा हुआ व्यक्ति सोचता है कि मैं हिमालय छोड़ करके, संसार छोड़कर हिमालय की गुफा में बैठा हूं, भला मेरे जैसे कौन। देवचंद जी के तन में राज्य बैठे हैं, लीला कर रहे हैं, सब सुंदर साथ उनको राज्य के रूप में देख रहा है, फिर भी अंदर ख्वाहिश तड़प रही है कि राज्य आप महाराज के तन से बाद में जाके नहीं कराओ, पहले मेरे तन से क्यों नहीं करवा सकते। रू अल्लाह करी बंदगी या में उनकी मैं, क्यों कि मैंने आपकी बंदगी की है और आप मेरे से जाके क्यों नहीं करवाते। तो गुनाह कहिया इन पर जो मान दिया। प्रेम क्या कहता है, प्रेम तो तभी होगा जब हम अपने सर्वस्व को मिटा देंगे। हमारा कुछ है तो हम प्रेम के अधिकारी नहीं है। भैरव सेठ ने ये किया, सब कुछ सौंप दिया कि राजी मैं आपके आदेश पर मैं हुक्का तोड़ देता हूं, शराब नहीं पीऊंगा, मांस को देखूंगा भी नहीं। शुद्ध हृदय से श्री जी पर समर्पित होकर के चर्चा सुन रहा है, और राज्य का वरस वरदहस्त श्री मोहम्मद कहे मुन्नो तुम पर दमदम जो वर्तक सो सब इसका हुक्का पल पल मेहर करे। जो भैरव सेठ पर कृपा कर रहे हैं वही आज भी कृपा कर रहे हैं, हर पल कृपा करते रहे, लेकिन किसी ने भैरव सेठ जैसा समर्पण नहीं किया कि वो पल भर में तीसरे तीन दिन में निर्मल होकर परम धाम का दर्शन कर सके। चाहे हम कितना भी वाणी पढ़ते हैं, कितनी भी चितवनी करते हैं, उस भाव से सब कुछ जिसको कहते हैं आर्त भाव। द्रौपदी ने पहले भी कृष्ण से प्रेम किया होगा, लेकिन अहम था कि मेरे पांच पति हैं, मेरा कोई क्या भी कर सकता है। जी रावण जो होने लगता है पौराणिक घटनाक्रम है, द्रौपदी जब देखती है कि भीष्म पितामह मौन है, द्रोणाचार्य मौन है, कृपाचार्य मौन है, मेरे पांचों पति विश्व विजेता है, लेकिन ये भी सिर नीचा करके बैठे हैं क्योंकि बचपन में बद गए। जब कोई सहारा न दिखाया तब आर्त स्वर से दोनों हाथ उठाकर कृष्ण को पुकारती है, और इसी प्रकार पहले कभी नहीं की क्योंकि अहम था कि मेरे पांच पति। जब उसको कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान सर्वस्व समर्पण हो जाए तो समाधि की प्राप्ति होती है। हम तो एक पंखा खरीद कर 1500 का देंगे तो कहेंगे कि हमारा नाम इस पर लिखा नहीं है, हमने 1500 रुपया दिए हैं। एक पाठ रखवा देंगे तो ढिढोरा पीट देंगे आप। राजी को एक घंटा याद करेंगे तो कहते हैं कि राजी याद करते करते इतने समय हो गया, आपने समर्पण कुछ नहीं किया, आपने दिल भी नहीं दिया, 1500 रुपये में व्यापार करने चले हैं आप, वो भी राजी के दर्शन का। राजी कहीं दूर नहीं है, और पहले तो हमारे समाज में भिकमंगों की लाइन है, नारियल चढ़ाओ, बागे चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, क्योंकि राजी खुश हो जाएंगे, नहीं तो राजी रूठ जाएंगे। राजी मनुष्य नहीं, इन देवता नहीं, ईश्वरों का ईश है।
प्रेम का अनंत सागर है, और दुनिया वालों की जब हम नकल करते हैं तो हंसते हैं कि इन्होंने संसार में आकर दुनिया वालों की राह पकड़ ली है, इनको मैं कैसे समझाऊं कि तुम कौन, और हम स्वयं को जानना नहीं चाहते। अब देखिए, महामती जी के तन में लीला करने के लिए विराजमान होते हैं, तरण चुटकी दा फरी फरी पीछे गतमत मारी है, उस तन में भी बैठ गए हैं, फिर भी अभी नींद चल रही है, हफ्ते में दर्शन दे चुके हैं। अब सोचिए, हफ्ते में दर्शन होने के बाद ही तो श्री जी हरजी व्यास से मिले थे, 1715 की घटना है हफ्ते में जाने की, 1722 का समय हो गया जब दीप बंदर में जाते हैं, उसके पहले अहमदाबाद की जेल से कांजी भाई के आग्रह पर छिप करके भागना पड़ते हैं, वो असहाय हो जाते हैं कांजी भाई के प्रेम को, जिस तन में रजी बैठा है उसको फांसी पर कौन चढ़ाने वाला है, एक पर्दा आ जाता है। अभी 1735 का समय नहीं आया, 1735 में श्यामा जी की आत्मा जब जागृत होगी पूर्ण रूप से, मैं खुदी का पर्दा तभी हटेगा इस संसार में, चाहे महा इंद्रावती जी का की आत्मा का जीव हो, श्यामा जी की आत्मा का जीव हो, शकुंडल की आत्मा का जीव हो, लालदास जी की आत्मा का जीव हो, सकुमार की आत्मा का जीव हो, सभी जीवों की स्वभाव अलग अलग है, और जीव जो कर रहे हैं उनकी उनका गुना या अपराध कहिए उसका लाभान जीव आत्मा को भुगतना पड़ रहा है। सकुमार का जीव ऐसे क्रूर, सकुमार की आत्मा ऐसे जीव पर बैठी है जो क्रूर है, अहंकार में पागल एक में पूरे हिंदुस्तान का बादशाह, सामने श्री जी भी आते हैं तो उनसे भी कह देता है कि नहीं आप शरीयत चलाइए तो मैं आपकी बात मानूंगा, मैं शरीयत नहीं छोड़ सकता क्योंकि सत्ता का मत है। शाकुंडल की आत्मा ऐसे जीव पर बैठी है जो अपना सब कुछ निछावर कर देती है, टीका ए पाओ ए निछावर है, सिर्फ प्राणनाथ के चरण पर छत्ता स्वयं को मिटाना, मैं कुछ नहीं। सागर सिंगार की वाणी क्यों आई है, खिलवत परिक्रमा की वाणी क्यों आई है, इस मैं को मिटाने के लिए जो देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में मिट नहीं सकी। मैं का तात्पर्य यहां का अहंकार नहीं, मैं बिन मैं मरे बिन, हक की मैं आ जाए, हक की मैं का तात्पर्य क्या है, मैं हूं क्या, आपसे मैं पूछूं कि आप कौन है तो आप अपना क्या परिचय दोगे। कोई सुंदर संत कहेगा कि मैं पंजाबी हूं, मैं नेपाली हूं, मैं गुजराती हूं, और परिचय देगा, अपने शरीर का परिचय देगा, अपने सामाजिक जीवन का परिचय देगा, कोई विद्वान होगा तो परिचय देगा कि मैं विद्वान हूं, कोई कलाकार होगा अपनी कला का परिचय देगा, ये हो वास्तव में आप अपने को तो नहीं जानते, आपने आपके जीव ने इस संसार में जो उपलब्धियां पाई हैं आप तो उसका परिचय दे रहे, आपने अंतर्दृष्टि अपने को समझा नहीं कि मैं कौन, आपके चित्त ने मन ने बुद्धि ने अहंकार ने जो कुछ ग्रहण किया है, आपके शरीर ने सेवा की है, आप बहुत सुंदर हैं, आपको अफ्रीका के किसी काले हफ्सी के पास बैठा दिया जाए तो, या किसी कोड़ी के पास आपको खड़ा कर दिया जाए, आपको कितनी घृणा आएगी, कहां से कोड़ी ला गया, आप अपने शरीर को देख रहे हैं, आप अपनी परात्म के स्वरूप को नहीं देख रहे हैं, ना तो आपने परात्म को जाना है, पढ़ लिया है परात्म का श्रृंगार, आप सागर ग्रंथ से पढ़ लिए, बोलने पर सारा व्याख्यान कर देंगे, सारी चौपाइयां सुना देंगे, लेकिन परात्म के स्वरूप को आपने नहीं जाना है कि परात्म का स्वरूप और राज्य का दिल दो नहीं है, हम हक में, हक हम में और हक बिना सबको, हक को हक देखत ये स्थिति नहीं हुई है, हक को हक देखत इत हुई फरमोशी रंजन, परात्म के तन भी हक हैं, राज्य भी हक हैं, लेकिन हम उस भाव में तो भावित नहीं हुए। यदि हम ये भाव ले लेते भी लेते हैं कि हम राज्य के स्वरूप है तो दूसरों को सेवक बना लेते हैं, यही तो भूल हो जाती है, हम दूसरों को अपने जैसे क्यों नहीं मान सकते, कुछ सुंदर साथ अपने को राज्य मान लेते हैं, कुछ बहने श्यामा जी मान लेती हैं,
तो उनके साथ स्वयं सेवकों का एक मंडल खड़ा हो जाता है, दूसरों को तुच्छ भावना से समझने लगते हैं कि मैं तो राजी वो मेरा सेवक, मैं श्यामा जी वो सेवक। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबको अपने जैसा ही देखने लगे। तत्र काम का सौकियो इकत्तम अनुपस्थित, हमसे समझदार तो गीता के बोलने वाले हैं जो सब में एक चेतना में अपने को सभी प्राणियों में और सभी प्राणी को अपने में देखने की भावना करते हैं। हम ब्रह्मवाणी पढ़ करके भी अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं कि हमारा ये ग्रुप हम श्यामा जी के साथ हैं, हम राजी के साथ हैं, हम राजी हैं, तुम श्यामा जी हो। ये कौन खड़ा कौन बोल रहा है, मैं का पर्दा बोल रहा है। इसलिए वाणी कहती है इन मैं में डुबिया सब कोई, या को पार न पावे को, या को पार सो पाओ ही जा को मुतलक बख्शीस हो। सबसे बड़ी कृपा दर्शन उसके सामने फीका है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, मैंने अभी कहा राज्य आवाज दे कि बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तो मैं समझता हूं सभी सुनसद दर्शन ही मांगे। कोई कोई होगा दुनिया की प्रशंसा मांग लेगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, सारी ब्रह्मांड का मालिक बन जाऊं, लेकिन ये तो नश्वर है। जो वाणी से समझदार होगा दीदार मांगेगा और राज्य की बातिनी मेहर मांगेगा कि हमारे अंदर इल्म भर दो, इश्क भर दो। परम धाम के परात्म के तनों में तो इश्क भी है, राजी हर पल साथ रहते हैं, लेकिन एक चीज जो परम धाम में भी नहीं मिल सकी थी वो पहचान बताना कि जो तू है वो मैं हूं और जो मैं हूं वो तू है। इसी न जाने के कारण ही तो रद्द हुआ था, और ये बताने के लिए कि तुमने मुझसे अपने को अलग क्यों समझा। मैं हर कर्ष में जुदा जानती लावती सत्य में, जुदा समझना कि हम राज्य को रिझाती हैं ये सबसे बड़ा अपराध है। सुंदर साहब कुछ शब्दों को लेकर पढ़ लेते हैं कि तुम रुए मेरे तनो, हम राज्य के तन हैं, हम सब कुछ हैं, हमारे अंदर राज्य है, लेकिन एक ये मुंह से कहा जाता है दिल से नहीं। जिस दिन दिल में भाव आ जाएगा हमारा अहंकार तो समाप्त हो जाएगा, हम कभी नहीं कहेंगे कि हम श्यामा जी के स्वरूप हैं या हम राज्य के स्वरूप हैं, हमारी सेवा होनी चाहिए, हमारे आगे पीछे कुछ लोग चलने चाहिए। ये कौन बोल रहा है, हमारे अंदर का अहम बोल रहा है। हमें ये भी तो समझना होगा कि जिससे हम सेवा करा रहे हैं वो भी राज्य का स्वरूप है। जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन पांच साल के बच्चे के अंदर भी हमें वही चेतना दिखेगी जो 80 साल के बुजुर्ग के अंदर दिखती है, क्योंकि अभी तक हमारी पहचान बाह्य पहचान है, हमने वाणी के शब्दों का बाह्य अर्थ जाना है, तभी हम शरीर की पहचान कर पा रहे हैं। अंतर्दृष्टि खुलने के बाद क्या लगेगा, आत्म सामने एक दिशे जुजवी ते दिशे दे, चाहे काला हो या गोरा हो, 80 साल का बुढ़ा हो या 5 साल का बच्चा, सबके अंदर जो एक चेतना को देखने लगे ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसको संसार का सबसे महान व्यक्ति कहा जाए तो भी खुशी हो, और जूतों की माला भी पहना दी जाए तो भी मुस्कुराता रहे, तब तो समझ माना जाएगा कि हाँ उसने अपने अहम को मार लिया। हम जरूर ऊपर से कह देते हैं कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब कुछ राजी कर रहे हैं, ये गले के ऊपर से कहा जा रहा है, मुख से कहा जा रहा है, दिल से नहीं कहा जा रहा है। दिल से यदि कहा जाए तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, तब उसमें तो उस अवस्था में पहुंच जाने के बाद तो हर पल राज्य की लीला नजर आएगी, केवल तू है, तू कर रहा है। लेकिन हम रट लेंगे, सबको सुनाते फिरेंगे नहीं सब राज्य कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा प्रसंग आ जाए जब उसके अहम को ठेस लगे, कह जाए कि तुमने कुछ नहीं किया, तो वहां कह देगा कि नहीं आपको मालूम नहीं है मैंने किया है और राज्य की कृपा से किया है। जब राज्य की कृपा से किया है तो क्यों कह रहे हो कि मैंने किया है। देवचंद जी के अंदर राज्य बैठे हैं, साक्षात श्यामा जी हैं, उनको भी ये शोभा नहीं दी गई है, क्योंकि हमको सिखापन देना था कि छठे दिन की लीला में सुंदर साहब को बहुत बड़ी मंजिल तय करनी है, और दोनों तनों से राज्य ने लीला करके बता दिया कि जिस तन में मैं बैठा हूं, जिसको परम धाम की दृष्टि हकीकत में क्या कहते हैं, हम श्यामा जी के अंग कहलाते हैं, उन श्यामा जी पर भी हंसी करा दी, और ऐसी हंसी जो परम धाम तक होती रहेगी कि आप मेरे से जागने क्यों नहीं कराते।
मेरे गुण खड़े हो से अर्जासी आकार। महावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी आत्मा ने जिस महाराज के जीव को धारण किया है, अब ये परम ये सत्स्वरूप के पहले व्यस्त में राज्य का स्वरूप बन लेगा। श्यामा जी देवचंद जी का जीव में श्यामा जी बनकर सिंहासन पर विराजमान हुआ और आठों वस्तु वाले इन जीवों के नूरमय तनों को राज्य श्यामा जी मानकर प्रणाम किया करेंगे। आप सोचिए, सबके खुदा तुमको के बीच सर्वर लाहौत सुबह किस लिए? क्योंकि उन्होंने राज्य के मार्ग पर स्वयं को बिठाया। आज वाणी का उत्तरण हुए 300 वर्षों से ज्यादा हो गए, न जाने हमने कितने दर्जनों पाठ कर लिए होंगे इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं, लेकिन एक चौपाई की कसौटी पर हम खरा नहीं उतर पाते कि मैं में डुबिया सब कोई या को पार न पावे को या को पार सो पावे हैं या को मुतलक बख्शीश। सबसे बड़ी कृपा राज्य से ही कहना चाहिए कि मेरे अंदर की मैं मिटा दीजिए, मैं कुछ नहीं हूं केवल तू है। जब हम अध्यात्म के शिखर पर पहुंचेंगे तो क्या होगा? केवल तू। वेदांत का एक वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। सूफी विचारधारा इसी को अनालक के नाम से कहती है, लेकिन वाणी इन सबसे आगे बढ़ करके बोलती है, मैं ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो भाव तो आ रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, तू में मैं हूं ही नहीं, केवल तू है। पहले भी तू था, आज भी तू है, भविष्य में भी तू ही रहेगा, मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है। तभी इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि यदि आपकी मैं को भी मैं समाप्त कर दें तो दूं तो आपके दिल का सुख कौन लेगा, इसलिए उस सुख को लेने के लिए मैं आपकी मैं को बस मान रही हूं, अन्यथा केवल तू है। अब बताइए, परम धाम में राज्य के सिवा तो कुछ नहीं। राज्य का ही हृदय श्यामा जी के रूप में क्रिया कर रहा है, राज्य का ही स्वरूप सखियों के रूप में है, 25 पक्षों के रूप में है, जिमी जात भी रूह की रूह जात आसमान धरती आकाश सभी आत्मा के स्वरूप में, और आत्माओं के स्वरूप में कौन है? स्वयं राज्य का हृदय तो क्रिया कर रहा है। फिर इस संसार में आप कुछ भी करते हैं तो अहम का पहाड़ क्यों खड़ा कर लेते हैं? अपने ज्ञान का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने पद का, अपने सौंदर्य का, अपने धन का, ये सब कुछ तो नश्वर चीजें हैं। आप राज्य के हैं, राज्य आपके हैं, और आप तो हो ही नहीं। जिस दिन ये हो जाए हम तो कुछ है ही नहीं केवल वो है, समझ लेना चाहिए कि हमारी आत्मा अब जग गई। दर्शन पाने के बाद भी वो छलिया है आपको भ्रमित कर देगा और प्रेम से भ्रमित होगा। देखते हैं ना, किसी को थोड़ी सी झलक मिल जाए तो मंडली इकट्ठी करके बोलेगा मुझे आज राज्य मिले, सपने में मिल जाए तभी सुनाता फिरेगा, किस लिए? सब पर मेरा प्रभाव बढ़ जाए और दर्शन हो जाए तो कहना ही नहीं। एक बार मंच लगा हुआ था पंडा जी का, एक बहुत बड़े विद्वान है, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, कहने लगे कि मैं 3 दिन घुमट जी के पीछे पड़ा रहा, बैठा रहा, और मैंने सोच लिया कि अब राज्य दर्शन नहीं देंगे तो शरीर छोड़ दूंगा। तीसरे दिन राज्य साक्षात आए और मुझे गले लगा लिए, माइक पर बोल रहे, फिर जयकारे लगाने लगे, भाई तुम्हें दर्शन मिला लेकिन राज्य पर उनको निष्ठा नहीं, उनको निष्ठा केवल भागवत पर है। तो और माइक पर चिल्लाकर बोले कि तीसरे दिन राज्य ने गले लगा लिया, ये कौन बोल रहा है? अंदर का हम बोल रहा है, मन में भाव उतरा कि राज्य आ गए हैं, उसी को ढिढोरा पिट रहे हैं। प्रेम कहता है तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। जब आप देखिए, एक छोटा सा चना धरती के ऊपर पड़ा रहे, अंकुरित नहीं हो सकता, मिट्टी में मिलना पड़ेगा, भुला देना पड़ेगा कि कोई चना था। जब चना भुला देगा कि तू था, तभी अंकुर फूटेगा, तभी एक नया पौधा बनेगा, वो पौधे उस पौधे से उस चने जैसे कई चने पैदा हो जाएंगे। लेकिन जब तक धरती पर देखता रहेगा कि मैं चना हूं तो कुछ नहीं मिला। उसी तरह से जब तक आपके अंदर भाव है अपने ज्ञान का, अपनी सेवा का, अपने सौंदर्य का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का,
तब तक आपने स्वयं को नहीं जाना है। मैं क्या हूं, स्वयं को जानने का तात्पर्य तू को जानना, तू का जानने का तात्पर्य अक्षरातीत को जानना। और जिसने अपने अस्तित्व को मिटा दिया उसके लिए तो हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब। वाणी ने क्या कहा है, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहे या खुदा। मैं खुद ही को टालना कितना कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि थक गए और तो परम धाम की ब्रह्मात्माएं भी थक गई। इसीलिए देवचंद जी के तन से जो लीला हुई ये लीला जानबूझकर कराई गई कि जब श्यामा जी की आत्मा जिस तन को पकड़ कर बैठी है उस तन में ये अहम भाव होता है तो उनकी भी हंसी होती है। तो सुंदर सा ये मत सोचे कि उनका कुछ नहीं होना है। इसलिए जब लग रही है साथ में हो रही है रेणु समान, इन जागे का फल यही है को चेतु चतुर। जागृति किसकी, जो स्वयं जग गया है। आप सोचिए आपको कोई गाली देता है, आप बड़े अफसर पद पर हैं, आपका छोटा कर्मचारी आपको गाली दे देगा, आप क्या करेंगे, उसको अगले दिन से सर्विस से निकाल देंगे। आप घर में बड़े हैं, आपके घर का कोई सदस्य आपका अपमान कर दे आप घर से निकाल सकते हैं। जो सर्वशक्तिमान है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, उसको दुनिया प्रतिदिन गाली देती है फिर भी उनको मारता नहीं। जिसके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड पलक झपकते लय हो जाएंगे वो सबकी गालियां सुनता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, महानता की पराकाष्ठा है। लेकिन मनुष्य थोड़ी सी उपलब्धि करता है कितने अहम भाव में खोया रहता है। हम सुंदर साथ जिस दिन जागृत हो जाएंगे, स्वयं को समझ जाएंगे कि वास्तव में हम कौन है, पहले या पहचानों का ये अर्थ होता है। हम निज स्वरूप को जान, स्वयं को जानना अलग है। और ये तो हमने जो बाह्य आवरण ओढ़ रखा है, हमारा शरीर कैसा है, हमारी मन चित्त बुद्धि की उपलब्धि क्या है, हम संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिक हो जाए तो हम सबसे कहते फिरेंगे आपको पता है मुझे कौन सा पद मिला है, मैं संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हूं। सबसे बड़े विद्वान हो गए तो आप ये भाव तो रखेंगे कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे जैसा कोई कलाकार नहीं। ये सारी उपलब्धियां तो इस जीव की, आपकी आत्मा तो अपने परात्म स्वरूप को हृदय में बसा ले, परात्म की भावना से मूल स्वरूप के साथ एकाकार हो जाए कि जो मैं हूं वो है, हम में और उसमें कुछ अंतर नहीं। लहर कहने लगे नहीं सागर तू है, सागर कहता है तू मेरी लहर है। लहर जिस दिन कह देगी कि मैं हूं ही नहीं केवल तू है, समझ लेना चाहिए कि उस दिन उस आत्मा की जागृति। आज संपूर्ण विश्व नववर्ष मना रहा है। एक बात मुझे कहनी है, चाणक्य ने कहा है राज्य मूलम इंद्रिय जया, जितेंद्रिय व्यक्ति ही राज्य का शासन कर सकता है। प्लेटो ने एक बार कहा था कि राजा कैसा होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए। इसलिए जानते हैं एक बार चंद्रगुप्त के शासन काल में अकाल पड़ा, प्रजा भूख से मरने लगी, तो चंद्रगुप्त ने भी कई दिन तक आहार किया, निराहार रहा कि यदि मेरी प्रजा भूखी है तो मैं राजा होकर कैसे भोजन कर सकता हूं। ये एक आदर्श था। राम को एक धोबी ने ही तो कहा था, राम चक्रवर्ती सम्राट है, धोबी ने भी पीठ पीछे कहा था कि मैं वो राम थोड़े हूं कि दूसरे के घर रही हुई सीता को रख लूं, अपनी पत्नी को रखने से मना कर दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी पत्नी का पटरानी का प्रत्याग कर दिया था जबकि वो न्याय नहीं था सच्चे हृदय से देखा जाए तो। लेकिन एक राजा का कर्तव्य था कि प्रजा की खुशी के लिए अपनी पटरानी का प्रत्याग कर देना। लेकिन जब राजा को सत्ता का मद चढ़ता है तो उसको सनक सवार हो जाती है कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी सेवा है, मैं जो चाहूं वो करूंगा। तो जानते हैं आज के दिन को नौ वर्ष मनाने की शुरुआत कब से हुई, फ्रांस के बादशाह से। उसके मन में सनक आई कि 1 जनवरी से साल का पहला दिन घोषित किया जाए, नहीं तो ये कब से परंपरा थी, 1 अप्रैल से। श्रेष्ठ कब से प्रारंभ होती है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहले दिन से श्रेष्ठ का प्रारंभ हुआ और भारतीय गणना के अनुसार वर्ष का पहला दिन वही है। लेकिन हम भारतीय
हजार साल से जो गुलाम रहते आए हैं, हमारे अंदर वही गुलामी की मानसिकता आज भी है। नई पीढ़ी से पूछिए नौ वर्ष क्या है, उसको तो मालूम ही नहीं है कि चैत्र मास का, पहले तो हिंदी के 12 महीने भी उनको याद नहीं है, जनवरी फरवरी सब याद होगा, लेकिन चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ ये भी याद ही नहीं होगा। नई पीढ़ी से पूछिए कोई राम हुए, कहता नई पीढ़ी कहेगी कि नहीं हम राम को नहीं जानते। नई पीढ़ी राम को नहीं जानती, कृष्ण को नहीं जानती, कालिदास को नहीं जानती, वो शेक्सपियर को जानेंगे। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य है। और पहली बात तो ये है कि अभी थोड़ी देर में 12 बज जाएंगे, 12 बजे तो घना अंधकार छाया होता है, उसको दिन कैसे कह सकते हैं आप। सूर्य उगता है अंधेरा जाता है तो कहते कब दिन हो गया, दिन तो हुआ नहीं, 12 बजे को घोषित कर रहे हैं कि अब नया दिन शुरू हो गया। लेकिन राजाओं की सनद, राजा ने कह दिया कि जो 1 अप्रैल को वर्ष का पहला दिन मानेगा वो मूर्ख है, इसलिए उसको फुल डे, अब आजकल फुल डे मनाया जा रहा है, जो 1 अप्रैल को झूठ बोला जाता है और कहते हैं कि तुम मूर्ख हो। मूर्ख तो वो है जो 1 जनवरी को साल का पहला दिन मनाते हैं, लेकिन राजा ने शुरू कर दिया तो सारी दुनिया यथा राजा तथा प्रजा, सत्ता के बल से उसने मनवा लिया और सारा संसार आज मना रहे हैं। क्या मानकर कि अभी 12 बजेगा, साल का पहला दिन होगा, हमारे लिए ये हो, हमारे लिए ये हो। किसी ने विचार नहीं किया कि अभी भारत की जलवायु में तो उतनी ठंडक नहीं है, दिल्ली का तापक्रम भी 3 तक होगा, लेकिन आप यूरोप में जाएंगे तो इस समय तापक्रम मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन -20 तो हो ही गया होगा। पेरिस का तापक्रम होना चाहिए, मैं अनुमान से कह रहा हूँ, यूरोप के अधिकतर भागों का तापक्रम -20 हो गया होगा, रशिया में उससे भी ज्यादा ठंडक पड़ रही होगी। अब जहां का तापक्रम 20 से नीचे चला जाए और कहेंगे कि बहुत सुंदर दिन हो गया, नया वर्ष आ गया, नया वर्ष तो तब हो जब सूरज उगे। इसलिए किसी भारतीय संस्कृत में कभी भी मध्य रात्रि को दिन नहीं माना गया है, दिन का प्रारंभ सूर्य के उगने से होता है, और जब सृष्टि, जब जिस दिन से सृष्टि का संबंध चैत्र शुक्ल पहले दिन से, प्रतिपदा जिसको कहते हैं, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन होता है, वही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के हरिद्वार में जाहिर होने का दिन है, और उसी दिन सृष्टि की रचना हुई थी। लेकिन ये बात नई पीढ़ी को नहीं मालूम है, शायद नई पीढ़ी को ये भी नहीं मालूम है कि भिन्न भिन्न यूनानी देवताओं के नाम से ये जो अंग्रेजी के 12 महीने हैं उनकी कल्पना की गई, इनको वर्ष के 12 महीनों का भी पता नहीं था। लेकिन आज भारत की नई पीढ़ी नया दिन मनाएगी नव वर्ष के रूप में। हमें क्या करना चाहिए, सब सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं तो मुझे भी विवश होकर कार्यक्रम करना पड़ता है, लेकिन नव वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में नहीं। हमारा नव वर्ष तो चैत्र शुक्ल से, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। इसलिए नहीं कि हमारा हिंदू तन है तो हम अपने देश की संस्कृति के अनुसार हम चैत्र शुक्ल में मनाते हैं। सृष्टि का नियम है कि जिस दिन सृष्टि बनी उस दिन पहला दिन होता है, क्योंकि उस दिन इस सृष्टि में, इस आकाश गंगा में, इस सौर मंडल में सूरज का प्रकाश फैला और पृथ्वी पर मनुष्यों ने उसको देखा और पहले दिन की गणना की गई। मध्य रात्रि को कभी भी हम दिन नहीं सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने प्रारंभ कर दिया कि 12 बजे के बाद अगला दिन प्रारंभ हो जाता है, ये उनकी गणना है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार ये उचित नहीं है। आज जागने का प्रमाण चल रहा है, सच ये है हम सो रहे हैं, संसार सो रहा है, लेकिन राज्य ने तो हमें भेजा था, जगाने के लिए भेजा था, हम खुद जगे दूसरों को जगाए, किंतु सबसे ज्यादा हम ही सो रहे हैं। देखिए हिंदू समाज तो शालिग्राम को, शिवलिंग को परमात्मा माने बैठे हैं, 4 वेद, उपवेद, 6 अंग, 6 उपांग, वेदांत दर्शन, गीता में कहीं नहीं लिखा है कि शिवलिंग और शालिग्राम परब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन आप देखिए हिंदू समाज को आप क्या समझाने जाएंगे, समस्त हिंदुओं से पूछिए 90% को यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है। कोई कहेगा रामायण, कोई कहेगा भागवत, कोई कहेगा गीता,
किसी अधिकतर को मालूम नहीं कि हमारे मूल धर्म ग्रंथ तो वेद है। वेद में क्या लिखा है इससे हिंदू को लेना देना नहीं, वेदांत क्या कहता है, गीता क्या कहती है, कोई लेना देना नहीं। हमारी परंपरा से विष्णु भगवान शालिग्राम में बदल गए, शिव को मानने वाले कहें कि वो शिवलिंग के रूप में हो गए, तो बड़े बड़े शंकराचार्य तक शालिग्राम और शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाई देते, इससे बड़ा अंधकार क्या होगा। आज सत्य को सुनने वाला और करने वाला कोई कोई है। आज सारा संसार विनाश के दवानल में जलने के लिए विवश है। आप देखेंगे कुरान के नाम पर इस्लाम का झंडा उठाकर जो कट्टरपंथी लोग खड़े हुए हैं वो क्या चाहते हैं कि हम हिंसा के बल पर सारे संसार को शरीयत के इस्लाम में परिवर्तित कर दें। कृष्ण जी कहती है कि नहीं, ईसा के सिवा अन्य जितने हैं सभी शैतान हैं, केवल ईसा को मानो। उन्हें धर्म के स्वरूप का बोध नहीं है, परमात्मा के स्वरूप का बोध नहीं है। हम तो परम धाम से आए हैं, हमने क्या किया है? हमने भी यही किया है, करोड़ों करोड़ों के मंदिर बना दिए, ज्ञान का प्रचार लुप्त है। जब ज्ञान ही नहीं फैलेगा, किसी को बताया ही नहीं जाएगा कि वाणी क्या कहती है, तो जागनी कैसे होगी? और जो वाणी पढ़ भी रहे हैं उस राज्य के प्रेम में डूब नहीं पा रहे, वो भी नवदा भक्ति लेकर के बैठे हैं। नवदा भक्ति में क्या होता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हम भी तो वही करते हैं, नाचेंगे कूदेंगे, इसको हम प्रेम करते हैं। प्रेम या प्रेम नहीं है। प्रेम मैंने क्या कहा, आप स्वयं को राज्य के ऊपर समर्पित कर दीजिए। देखिए हमारी संस्कृत में कहा जाता है कि ब्रह्म मूर्ते बुद्धेत धर्म अर्थ जो अनुचिंत, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? प्रातः काल 3 बजे। धर्म है तो अर्थ है, धर्म है तो सृष्टि है, धर्म है तो हमारा अस्तित्व। धर्म से जो अर्थ कमाया जाता है वो अर्थ है, अधर्म से जो कमाया जाता है वो अनर्थ होता है। प्रातः का उठकर पहले धर्म का चिंतन कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए। धर्म के चिंतन का तात्पर्य है परमात्मा का चिंतन, तब उसके पश्चात आपका गृहस्थ जीवन शुरू होता है, तो अर्थ की तरफ जाइए। रात्रि को क्या करना चाहिए? रात्रि के समय हमारे लिए कहा जाता है एकाकी चिंतमाना परम श्रेयम अधिगच्छति। अकेले में सोचने वाला, अकेले में कल्याण का चिंतन करने वाला श्रेष्ठ कल्याण को प्राप्त होता है। ये भी बात ध्यान में रखिए, अकेले में बुराई का चिंतन न कीजिए, विषय विकारों का चिंतन न कीजिए, क्योंकि नीति की शिक्षा अनिष्ट करण तुम सात विषय चिंतना। मनुष्य जब अकेला होता है तो सोचता है कि कौन देख रहा है, उसको पता नहीं कि जो उसके हृदय में बैठा हुआ है उसके मन की बातों को भी देख रहा है। हम सुंदर साहब भी सोचते हैं ना कि चलो वहां मंदिर तो वहां है, राजी वहां बैठे हैं, इधर झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, राजी थोड़े देख रहे हैं। हम भूल क्यों जाते हैं कि राजी कोई मनुष्य नहीं है। हक नजीक से रक से आड़ो पटना द्वार, पूरी वाणी को एक पंक्ति में लिखने के लिए कहा जाए तो क्या वाक्य होगा, हक नजीक से रक से। जिसने इस बात को जान लिया तो प्राण की नली से निकट है, हम और वो दो नहीं, वो सपने में भी पाप नहीं करेगा। पाप कहां होगा, जान लगेगा कि कौन देख रहा है। जहां प्रश्न खड़ा होता कि कोई नहीं देख रहा है वही तो पाप करेगा। चोरी कब होगी, जब लगेगा कि कोई नहीं देख रहा है। हम बुरे कर्म कब करेंगे, जब देखते हैं कि कोई परिचित हमें देख नहीं रहा है, छिप कर बुरे कर्म कर लेंगे। लेकिन यदि पता चल जाए कि राजी हमारे हर कार्य को देख रहे हैं, न तो हम सपने में किसी को बुरा कहेंगे, न सपने में कोई बुरा कार्य करेंगे। इसलिए जागने के प्रमाण में हमें यह सोचना होगा कि परम धाम की ब्रह्मणी आई है तो किस लिए आई है, क्या मंदिरों में सजा कर रखने के लिए आई। सारा संसार तो प्यासा है, हम तो 400 वर्षों में ब्रह्मवाणी को मात्र कुछ लाख तक पहुंचा पाए, हमारी संख्या आधे करोड़ तक भी नहीं पहुंची। अब जाकर देखिए
ब्रह्मा कुमारी मनु को देखिए, यदि हमारे ज्ञान को पीएचडी माना जाए तो ब्रह्मा कुमारी वनों का ज्ञान नर्सरी का ज्ञान है। लेकिन जानते हैं भारत में उनके 13,000 सेंटर हैं, उनकी संख्या कितनी है? एक राजकोट शहर में, अकेले राजकोट शहर में कम से कम 150 व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करते हैं। उनके 8 केंद्र हैं एक राजकोट शहर में। और मुझे नहीं लगता पन्ना जी तो हमारी राज्य की लीला भूमि है, इसमें देखा जाए तो 150 लोग बैठे हो ध्यान कर रहे हो, मुझे नहीं लगता। आज तो सब लोग नाचेंगे कूदेंगे जैसे खुशी मना रहे हो, आप खुशी मनाइए। ईसवी सन की गणना के अनुसार, जो संसार की मान्यताओं के अनुसार, लेकिन मनाने से पहले एक बात सोचिए, इस संसार में अंधकार से भटकते हुए कितने प्राणी हैं, हमने उन प्राणियों के लिए क्या किया है? खुशी के नाम पर तो आज सब कुछ होगा, कोई शराब पिएगा, कोई मांस खाएगा, कोई कुछ करेगा कुछ करेगा। हमने उन प्राणियों की पीड़ा का एहसास किया है जिनको तरपा तरपा कर बुचर खानों में काटा जाता है? चलिए वो तो पशु है, आप कहेंगे कि पशु तो बने ही इसके लिए। लोग हैं जो आधे पेट रहने के लिए विवश है, कितने करोड़ों लोग हैं जिनको ये पता नहीं कि अक्षरातीत नाम की कोई बला भी होती है, उन तक कौन ज्ञान पहुंचाएगा, उनको परम धाम का मार्ग कौन दिखाएगा? हम मानो जैसे करोड़ों के बजट वाले मंदिर तो बना दे रहे हैं, उन मंदिरों में ब्रह्मवाणी की गूंज करने वाले यदि नहीं पैदा करेंगे तो क्या होगा? मैंने देखा है कितनी बार मंचों से मैंने आह्वान भी किया है कि सुंदर साथ कोई तो निकले, ज्ञानपीठ में भी 400 से ज्यादा बच्चे आए, सब माया में लिप्त हो जाते हैं, बड़े होते हैं शादी का नशा छा जाता है, नौकरी का नशा छा जाता है। बनो को तो हमेशा दबाए रखा गया, न विदुषियां बनी न विद्वान बने, घंटी घड़ियाल जरूर 400 से ज्यादा मंदिरों में बजने लगे, और होता क्या, एक दो कार्यक्रम हो जाते हैं प्राय सभी मंदिरों में, बीतक हो जाती है, वार्षिकोत्सव मना लिया जाता है, नाच कूद लिया जाता है, तो क्या इससे ब्रह्मवाणी फैल जाएगी? अब जाकर देखिए ब्रह्मा कुमारी में कम से कम हजारों, एक दो नहीं कितने हजार बनों ने अपना त्याग किया हुआ है। आर्य समाज में विद्वान आचार्य कहलाने वाले विद्वानों की संख्या कम से कम 5,000 है, हमारे पास तो 50 भी नहीं जिनको विद्वान कहा जा सके। हम किस मैदान पर खड़े हैं? हमें आत्मचिंतन भी तो करना चाहिए। नाच कूद लेना, हंसी मना लेना, इससे कुछ नहीं होगा। रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो उसके बांसुरी बजाने से रोम का जलना बंद नहीं होगा। संसार में जो विनाशकारी घटनाएं हो रही है उसका, उससे हम आंखें मूंद लें, बिल्ली आ रही है कबूतर आंखें मूंद लें कि बिल्ली है ही नहीं क्योंकि उसने तो आंखें बंद कर रखी है। हम भी तो कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद किए हैं। राज जी ने हमारे लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया था कि तुम संसार में जाओ, सबको परम धाम की राह दिखाओ, तुम स्वयं जगो। बीतक में क्या लिखा है? आप देखो औरों को दिखाओ। क्या हम इस पर खरा सिद्ध हो सकते हैं? कभी नहीं। नाम चितवनी करते हैं न दूसरों को करने देते हैं। हमारा 90% सुंदर साथ अभी भी चितवनी से दूर है। 90% सुंदर साथ को चितवनी का ढंग भी नहीं मालूम है, उनको तो कर्मकांड में उलझा दिया गया, या तो नाच कूद हो जा या सेवा पूजा कर लिया। चलिए बच्चों उससे सेवा पूजा कराइए, लेकिन आप 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 70 साल की उम्र में भी चरणामृत प्रसाद से, मंत्र जप से, परिक्रमा से ऊपर ही नहीं उठेंगे। दूसरे धर्म वाले जिनको शून्य निराकार का ज्ञान है, अब जाकर देखिए ब्रह्मा कुमारी में देखिए, राधा स्वामी में देखिए, और तो और चाइना जैसे नास्तिक देश में भी ध्यान लोग करने लगे। अमेरिका में जाकर के देखिए, वहां के ऑफिसों में भी ध्यान का छिपना हुआ है, लाइब्रेरियन बनी हुई है। हम 20-20 करोड़ के मंदिर बना देते हैं, लेकिन एक लाइब्रेरी तो क्या वहां एक सेफ में कुछ ग्रंथ भी, 50 ग्रंथ भी नहीं मिलेंगे, न ध्यान के लिए छोटी सी कोठरी भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी सोच में न वाणी का ज्ञान है न चितवनी है। केवल मानो जैसे मंदिर खड़ा कर देना, सारा धन उसी में लगा देना, फिर राजनीति का अड्डा बना देना, लड़ते झगड़ते सारी उम्र गंवा देना, इससे तो जागरूक नहीं।
सुंदर साथ को आत्ममंथन करना होगा। यदि ज्ञान की ज्योति को फैलाने वाले ही नहीं पैदा किए जाएंगे, हम सुंदर साथ अपना त्याग ही नहीं करेंगे, तो ये 9 वर्ष केवल उछल कूद कर लेना, सभी मंदिरों में बढ़िया से खा पी लेना, मुझे तो लगता है कि ऐसे सुंदर साथ से वो नीरू तो अच्छा था, कम से कम बांसुरी बजाकर मग्न तो हो रहा था कि भले ही रूम जल रहा हो, वो बांसुरी का आनंद तो ले रहा था। हम तो कहीं के नहीं हो पा रहे हैं। हम एक तरफ वाणी पढ़ते हैं, राज जी को सारा दोष लगा देते हैं, राज जी इतने साल वाणी पढ़ते हुए हो गए, ये करते हुए हो गए, आपने दर्शन नहीं दिया, आपने हमको सुंदर साथ में शोभा नहीं दे दी। कितनी बड़ी शोभा लेंगे आप? सदगुरु धनी सिंह देवचंद जी से बड़ी शोभा तो आपको मिलने वाली नहीं है, उन पर भी ऐसी होगी। हमें और आपको तो यह करना है कि अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए। अब देखिए बड़ोदरा में भी बालिकाओं के लिए गुरुकुल खुलने जा रहा है, ज्ञानपीठ में 15 इतने 16 वर्षों से पाठ्यक्रम चल रहा है, लेकिन क्या हुआ? मैंने एक नहीं निचने कितनी बार आह्वान किया होगा कि सुंदर साथ जी जिसके घर 2 बच्चे हो, एक बच्चा तो ज्ञानपीठ भेजे जो राज्य के लिए समर्पित हो जाए। जो बिगड़ा से बिगड़ा होता है उसको लोग भेज देते हैं, जो थोड़ा सुधरता है कहते कि अब तुम सुधर के जल्दी से भाग आ जाओ। अच्छे बच्चों को कौन नहीं भेजता कि वो राज्य के लिए समर्पित होकर राज्य के कार्य को करें। हम 40 लाख कहलाने के लिए तो सुंदर साथ, राज्य के लिए कोई त्याग नहीं, कोई प्रेम नहीं, तो हमारी आत्मा कैसे जागृत होगी? उन ब्रह्मा कुमारी वालों से हमें सीख लेने चाहिए कि उसमें तो बहने आ करके अपना जीवन त्याग कर रही है। ज्ञान का स्तर छोड़िए, ज्ञान की दृष्टि से तो वाणी में हमारा हमारे पास सबसे ऊंचा ज्ञान का भंडार है। हाँ, उसका 10वां अंश भी यदि हम अपने जीवन में चरितार्थ कर लें, शायद सारे संसार को पता चल जाए कि परम धाम क्या है, अक्षरती कौन है, परम धाम के ब्रह्मणी कौन है। हम सुंदर साथ तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, पंजाबी गुजराती नेपाली बिहारी यूपी की दीवारें इतनी खींच रखी है, एक एक प्रांत के एक एक शहर में गुट है और एक एक गुट के अंदर भी कई उपगुट हैं। हम तो आपस में लड़ते लड़ते सारी ऊर्जा इसी में लगा देते हैं, फिर हम दूसरे को क्या ज्ञान देंगे? संसार तो हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। वाणी क्या कहती है कि निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी रहा देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सब। सारी दुनिया जिन ब्रह्मणियों की राह देख रही थी, परम धाम के जिस ज्ञान के अवतरण की बात देख रही थी, उसको तो आए हुए 350 वर्ष हो गए, ब्रह्मणियों को आए हुए भी 400 से ज्यादा वर्ष हो गए, लेकिन हुआ क्या है? पूरे हिंदू समाज के बीच के संप्रदाय में हमारी कोई विशेष पहचान नहीं है। हम अपने परम धाम का ज्ञान तो क्या प्राण राज्य के बारे में भी सही प्रचार नहीं कर पाए। हम तो उनको अंतर्राष्ट्रीय संत या राष्ट्रीय संत घोषित करके तालियां बजाना सीख गए हैं, महापुरुष कह देते हैं, कवि कह देते हैं। यह बात तो छोड़िए, जिन सुंदर साथ को ये पता चल गया कि प्राणनाथ अक्षर अतीत को कहते हैं, वो भी तो सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमसे अच्छे तो वो ब्रह्मा कुमारी मानने वाले लोग हैं, वे बहने कह देती हैं कि हमें तो बाबा किसी का कुछ नहीं सुनना है। वो समर्पित है, उनका हर रोम अपने मिशन के लिए समर्पित है, हमारा हर रोम राज्य के लिए समर्पित नहीं है। इसलिए क्योंकि हमने ब्रह्मवाणी को यथार्थ रूप में नहीं जाना है। तेरी गिनती बांधी सांस सांस, एक सांस की भी नहीं गांस, हर पल जो हमारा बिता जा रहा है पुनः हमें मिलने वाला नहीं है। देखते देखते हम बालक होते हैं, किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, युवा होते हैं, फिर बुढ़ापे की तरफ ढलने लगते हैं। ऐसा समय आता है जब समय की घड़ी बताने लगती है कि इस तन को छोड़ने का भी समय आ गया है। कदाचित हमने हर दिन को एक महान लक्ष्य की पूर्ति में लगाया होता, सकारात्मकता के साथ अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाया होता, हमारा मन चित्त बुद्धि सब कुछ राज्य के लिए समर्पित होकर के लगा होता, तो शरीर छोड़ने से पहले यहीं बैठे बैठे हमने राज्य को भी देखा होता, संसार में परम धाम का अमृतमयी संदेश पहुंचाया होता, और आज संसार एक दूसरे रूप में होता। आज संसार जो विनाश के ज्वालामुखी पर बैठा है, उसके लिए संसार दोषी नहीं है, क्योंकि वो तो मोह सागर से पैदा हो गया।
हम परम धाम के सुंदर सादोषी हैं जो हम न तैयार हुए न संसार वालों को ज्ञान दे पाए। हमने मंदिरों में ब्रह्मवाणी को छिपा कर रखा, हमने ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए कुछ नहीं किया, सुंदर सुंदर मंदिर बनाए, ट्रस्टी बनकर या विद्वान बनकर महाराज बनकर लड़ते झगड़ते रहे पद के लिए प्रतिष्ठा के लिए। हमने ये नहीं सोचा कि संसार के सभी लोगों तक हम ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचा देंगे। तो वे बेचारे न जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं, वो भी राज्य की एक झलक पा जाते, वो भी परम धाम की अनुभूति करके अपने जीव का कल्याण कर सकते। ये कार्य तो हमें करना चाहिए था, लेकिन हम तो सोचते हैं कि इतने लाख का सोने का कलश चढ़ा देंगे, राजी खुश हो जाएंगे, 2 लाख का बागा चढ़ा देंगे, राजी खुश होकर विशेष माहिर कर देंगे। राजी को कोई दिल देना नहीं चाहता, सोने से तोड़ना चाहते हैं, धन से तोड़ना चाहते हैं। राज्य के साथ भी व्यापार का सौदा, राज्य तो आपसे कुछ नहीं मांगते, आप उनको क्या दे सकते हैं। मासू के मुहे मिलके करी सो दिल दे कुछ, कहे तू दे पड़ोतर जो मैं कुछ तू दे। राज्य ने अपना दिल बताने के लिए खेल रचा, खेल का मां कारण यही है। श्यामा जी को सबसे पहले अपना दिल दिया, उनके दिल में बैठे। महामती जी को अपना दिल दिया, अपने दिल का सारा भेद खोल दिया, और आपको जगाने के लिए महामती जी के तन में बैठे। गांव गांव द्वीप बंदर से चलकर मस्कत आवासी, फिर वहां से लौट करके सूरत होते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं, दिल्ली हरिद्वार, फिर उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, और तब पन्ना जी तक पहुंचते हैं। अब सोचिए, आज हम फ्लाइट में यात्रा करते हैं, ऐसी कारों में यात्रा करते हैं, उस समय नंगे पांव चलना होता होगा। एक तो अकेले हो तो बात दूसरी, 5,000 की जमात चल रही थी, सबके भोजन की व्यवस्था कैसी होती। इसी जाड़े की ठंड में जब श्री जी चलते होंगे तो क्या कंबलों का ढेर लेकर तो नहीं चलते होंगे। आप जितने सुंदर साथ आए हैं, अपने साथ बड़ी बड़ी अटैचियों में कपड़े भर करके लाएंगे, कंबल लेकर के आएंगे। श्री जी के उस तन में भी धूप सा होगा, धूप की लपटे सा डेली होगी, वर्षा की फुहार भीगे हो गया वो तन, क्योंकि एक पड़ाव पड़ता होगा, रात गुजारनी होती होगी, ठंड झेली किसके लिए, परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए। उस तन से जो परम धाम का ज्ञान उत्तरित हुआ, उस ब्रह्मवाणी को हम ऐसी कमरों में बैठकर, ऐसी कारों में चलकर के भी हम फैलाने के लिए तैयार नहीं। तो आप सोचिए, परम धाम में जब हम जागृत होंगे, राज्य को क्या जवाब देंगे। यहां हम अपने अनुयायी खड़े कर सकते हैं, उनसे अपने जय जयकारे लगवा सकते हैं, अपनी महिमा करा सकते हैं कि देखो हमारे जैसा किसी ने कुछ नहीं किया, हमने जागने के लिए ये किया ये किया। लेकिन हम अपनी अंतरात्मा से भी ये पूछे कि सचमुच में हमने क्या अपना दिल राज्य को दिया है, क्या हमने अपने अस्तित्व को मिटा दिया है, क्या ब्रह्मवाणी की महिमा को फैलाने के लिए, अक्षरातीत की महिमा को फैलाने के लिए हमने भैरव सेठ की तरह, राजा राम झाझन भाई की तरह, छत्रसाल जी की तरह हमने अपने को सौंप दिया है। इसका उत्तर तो हमारा हृदय जानता है। और मैं कहता हूं कि हर वर्ष ये आता है, सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं पूरे देश में, सुंदर साथ जहां भी होंगे अपने अपने मंदिर में आश्रम में नाच कूद रहे होंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में 12 बजे की घंटी बज जाएगी, खुशी में पागल हो जाएंगे कि नया साल आ गया, नया साल आ गया। इन भोले मानसों को कौन समझाएगा कि भाई अभी मध्य रात्रि है, मध्य रात्रि का अंधकार है, अभी 6 घंटे के बाद दिन होने वाला है। हम भी अज्ञानता के निशा में भटक रहे हैं। ज्ञान का सूर्य तारतम वाणी के रूप में आया, लेकिन हम संसार के पीछे चलने लगे, संसार को अपने पीछे चलाने का साहस नहीं रख सके। हमने ब्रह्मवाणी को आत्मसात किया होता, युगल स्वरूप को अपने हृदय में बसाया होता, तो संसार आज हमारे पीछे चल रहा होता और हमारे निर्देश पर चलता है। उन्होंने कहा था, मेरी शुद्ध और को तो चले तुम्हारा हुक्म। यदि हमने संसार को परम धाम का ज्ञान दिया होता तो संसार हमारे पीछे पीछे चल रहा होता। अब देखिए, लेखराज जी ने क्या किया, लेखराज जी को कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन ब्रह्मा कुमारी मत चला दिया, उनके लाखों नहीं करोड़ों अनुयायी हैं। एक जय दयाल गोयंदका ने भी पसना सिखा दिया, उनके 450 केंद्र हैं 100 वर्षों के अंदर। और सावन सिंह महाराज जी ने वहां व्यास में स्थापना कर दी, उनके करोड़ों अनुयायी बन गए, कि उन्होंने निरंतर पुरुषार्थ किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने छोटे 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 बड़े मंदिर बना लिए, मंदिरों की सजावट पर सारा ध्यान केंद्रित कर दिया, जागने वास्तव में नहीं की, ना अपनी आत्मा की
न वास्तव में परम धाम का ज्ञान फैलाया। और जागनी कब होगी? जब सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसेगी। अखंड मंदिर तो सबका हृदय है, उस मंदिर में ज्ञान का प्रकाश नहीं, परम धाम का प्रेम नहीं, वहदत का श्रृंगार नहीं। हम ईंटों के मंदिर बनाते हैं, प्लास्टर कराकर टाइलें लगाकर सजावट कर देते हैं, सोने का कलश चढ़ा देते, कर देते हैं कि राज्य का मंदिर है। राज्य ने तो क्या कहा है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल ले इताई करो आराम। हम अपने हृदय को अखंड मंदिर बनाने के लिए तैयार नहीं है। वाणी कहती है ऊपर तले अर्श न कहया, अर्श कहया मोमिन कलु कलुबे मोमिन अर्श मनस्थ। लेकिन इतना होते हुए भी यदि हमने ब्रह्मवाणी को समझ लिया तो शायद हम राज्य को समझ जाएंगे, राज्य को समझ जाएंगे शायद हम अपने को समझ जाएंगे। ऐसा करके हम सारे संसार को परम धाम की राह दिखा सकते हैं। आज मनुष्य जिस पाप के कीचड़ में फंसा हुआ है उसका परिणाम तो बुरा होने वाला है। हम लाखों प्राणियों को मारेंगे तो उसका प्रायश्चित कौन करेगा? आज मनुष्य जो मांस भक्षण कर रहा है वो तमोगुण रूप राक्षस जब खड़ा हो जाएगा तो सबकी बुद्धि को उल्टा करेगा और इसी में भी सुजित होगा, चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी। जब मानव में मानवता हट जाएगी वो तमोगुणी हो जाएगा, मांस और शराब से अपने को के पाप के कीचड़ से अपने को ढक लेगा तो क्या होगा? वो तमोगुण का दानव हर मानव को इतना उग्र बना देगा कि विश्व युद्ध की विभिषिका से बचाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि तो प्रकृति का सिद्धांत है। हमारा उत्तरदायित्व था, 400 साल से पहले राज्य ने हमको वाणी दी थी, एक जय दयाल गोयंद का यदि 450 ध्यान केंद्र बना सकते हैं, 400 वर्षों में हमने आज तक ध्यान केंद्र को नहीं बनाया, केवल सरसाओं में बना 24 कमरों का, वो भी सुना ही रहता है। कभी कभी मैं देखता हूँ 8-10 सुंदर सा ध्यान के लिए आते हैं, किसी को ध्यान से मतलब नहीं, चितवनी से मतलब नहीं, और विपसना के केंद्रों में सिफारिश करनी पड़ती है कि मेरा नंबर आ जाए। आप सोचिए हम सुंदर साथ कितने पीछे खड़े हैं, राधा स्वामी मत में 1,00,000 लोग बैठकर एक साथ चर्चा सुनते हैं, कई कई लाख लोग एक साथ चर्चा सुनते हैं, हमारे यहां मुश्किल से 10-15 आ जाए तो बहुत शोर मच जाता है कि 15,000 की भीड़ थी। हमारे सुंदर साथ शायद ही कभी 1,00,000 के रूप में इकट्ठा हुआ, क्योंकि हमारे पास संगठन नहीं। हमारा रथ 4 दिशाओं में है, हमारे जागनी का रथ है 4 दिशाओं में, 4 घोड़े हैं, चारों अपनी तरफ खींच रहे हैं, जागनी का रथ कैसे चलेगा? वो तो वहीं के वहीं पर रहेगा। इसलिए सब सुंदर साथ को आत्ममंथन करना होगा आज के दिन, कि अब तक की जो हमारी भूलें रहे उस भूलों को, उन भूलों को हम सुधारें, क्योंकि जब भी चेते तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा। हमने बहुत जीवन का अनमोल समय खो दिया है, हमने 400 वर्ष आलस्य प्रमाद और अकर्मण्यता में खोए हैं। हमारे इस जो भी अपराध बोध कहें या कुछ भी हो, राज्य सब कुछ देख रहे हैं कि दुनिया वाले कितना त्याग कर रहे हैं। स्वर्ण मंदिर में जाइए, सफाई देकर मन खुश हो जाता है, उनकी सेवा देकर खुश हो जाता है। हम सुंदर साथ शरीर की भी सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते, अपना तन मन समर्पित करने के लिए तैयार नहीं होते, ध्यान में भी पीछे, समर्पण में भी पीछे, किसी हर तरह की सेवा से हम पीछे हो रहे हैं, और कहते हैं कि हमारे चरण रस से ब्रह्मांड पवित्र हुआ है। जब कहेंगे तो संसार के लोग तो हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी निष्ठा कितनी कमजोर है। कबीर पंथ वाले कबीर जी को परमात्मा का दर्जा देते हैं और हम प्राणनाथ जी को गर्व से कहते हैं वो तो संत थे, महापुरुष थे। हम बड़ा न बनाए तो छोटा तो न बनाए। कबीर पंथी किसी भी कीमत पर कबीर जी को किसी से छोटा नहीं बनने देगा। वो कहेगा कि दुनिया में कबीर जी के बराबर कोई नहीं हुआ। और हमारे विद्वान वक्ता कहते हैं कि प्राणनाथ जी को औरों से बड़ा कहना अन्याय है। वो प्राणनाथ जी की महिमा सुनने के लिए तैयार नहीं, वो जो घर घर घूम करके दूसरों को वाणी चर्चा सुनाते, इससे दुखा तो और कुछ नहीं होगा, ये अक्षम्य अपराध है। इसलिए आज ईसवी सन के गणना के अनुसार, लोक मान्यता के अनुसार, जो अंधकार में संसार जी रहा है उसकी मान्यता के अनुसार अब से कुछ घंटों के बाद नया वर्ष प्रारंभ होगा। मेरी मान्यता के अनुसार नहीं, या धर्म ग्रंथों की मान्यता के अनुसार नहीं,
धर्म ग्रंथों की मान्यता के लिए अभी 3 महीने की प्रतीक्षा कीजिए। शायद अप्रैल महीना आएगा, चैत्र शुक्ल का पहला दिन होगा। उस दिन पहला दिन प्रारंभ होगा जब पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें फैलेगी और वो स्वर्णिम बेला आएगी जिस दिन महामती जी को हरिद्वार में सभी आचार्यों ने विजयानंद बुद्ध निष्काम स्वरूप में स्वीकार किया था। मैं देश विदेश के सभी सुंदर साथ से सभी प्राणों से प्रार्थना करता हूँ कि जागने के महान कार्य में आगे आए। सौभाग्यवश वाणी का 109 भाषाओं में वेबसाइट पर टीका उपलब्ध है, आप उसकी ऑडियो भी सुन सकते हैं। युवा पीढ़ी से यही अपेक्षा की जाती है कि नए नए व्यक्तियों तक ब्रह्मवाणी को फैलाने का प्रयास करें, चाहे कोई रशियन भाषा में मांगे, चाइनीज भाषा में मांगे, अरबी, फारसी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, किसी भी भाषा में मांगे। आज तो हम बहाना नहीं कर सकते हैं कि हमारी वाणी का भाव हमें बताने में कठिनाई महसूस हो रही है। भविष्य में यही प्रयास किया जाएगा कि वेबसाइट में जितने ग्रंथ हैं, यहाँ तक कि दोपहर का सूरज, प्रेम का चांद, हमारी रानी, ये भी 108 भाषाओं में कुछ दिनों में डाल दी जाएगी। अब आने वाली पीढ़ी पर यह निर्भर करता है कि कौन कितना त्याग करता है, राज्य के लिए अपना समर्पण दिखाता है, अपना प्रेम दिखाता है। यदि हम संसार वालों से आगे न बढ़े तो कम से कम पीछे तो ना रहे। हम गौरव लेकर के बैठे हैं कि लाड लुधियान लाहौत की जाकी असल चौथी आसमान, बड़ी बड़ाई जिनकी जाकी सफत करे सुबह। हम अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की महिमा न कर पाए तो उनकी बदनामी तो न कराए कि जो उनके अंग कहलाते ही संसार में आए थे, अपने प्राण का नाम भी डुबो दिया। उनको संत तो कहा ही, उनकी ब्रह्मवाणी को नहीं फैलाया। अरे जय दयाल गोविंद का नास्तिकवाद को, विपसना में न आत्मा को माना जाता है न परमात्मा को माना जाता है। वे लोग लाखों लोगों को अपना ध्यान करा रहे हैं, हम परम धाम का ध्यान किसी को नहीं करा पा रहे। त्रादश स्वामीमत या ब्रह्मा कुमारी का ध्यान कहां तक है, सामान्य स्तर का ज्ञान है। उनमें लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया है अपने अपने ज्ञान को फैलाने का। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मेले भंडारे, खाना पीना, नाचना कूदना, इससे जागने नहीं होगी। हमें अपनी भूलों को सुधारना होगा। हो सकता है मेरे शब्द कटु लगे हों, लेकिन ये ध्यान रखिए, आंवला खाने में कड़वा होता है लेकिन उसको खाने वाला 140 वर्षों की उम्र प्राप्त करता है और सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। यदि मेरे शब्दों को कोई आत्मसात कर लेगा तो यही कहना पड़ेगा कि हाँ ये सच है। किसी के हृदय को पीड़ा दिखाना मेरा अभिप्रिय नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी सत्य को समझें, ब्रह्मवाणी को समझें, अपने हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसाएं, अपना जीवन सफल करें और सारे संसार के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन करके उभरे। संसार समझे कि परम धाम के ब्रह्म ने आए थे और हमें परम धाम का मार्ग दिखाए थे, कर गए। मैं सबके लिए शुभकामना करता हूँ।